वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज विद गजल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपीज विद गजल, हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। ग्लूकोंडी, कौन है जो ग्लूकोंडी को नहीं जानता? जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोंडी को सभी जानते हैं और गर्मियों में तो ज़्यादातर ग्लूकोंडी बनाकर सभी पीते हैं। तो आज हम भी ग्लूकोंडी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल, मतलब इसके साथ एक ट्विस्ट करेंगे और देखना फिर वो कितना मज़ेदार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली एक बर्तन में पानी ले लेंगे, जैसे कि हम कोई भी शरबत बनाने के लिए लेते हैं। तो मैंने भी जग में एक गिलास पानी ले लिया है। और जब हम ये पानी लेते हैं तो हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करते हैं ताकि इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ठंडा पानी अगर हम एक साथ यूज़ करेंगे तो उसमें चीनी मेल्ट नहीं होती। और मैंने तो चीनी को भी ना ग्राइंड किया हुआ है, यानी कि इसका शुगर पाउडर बनाकर तैयार किया हुआ है। शुगर पाउडर बनाने से क्या होता है कि शरबत बहुत जल्दी से बन जाता है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो फटाफट से हम 2 टेबल स्पून इसमें शुगर पाउडर डालेंगे और ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए, देखते ही ये कितनी जल्दी से मेल्ट हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम फटाफट से डालते हैं सबसे पहले ग्लूकोंडी, वही ग्लूकोंडी जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और साथ ही साथ गर्मी से राहत भी देता है। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून ग्लूकोंडी डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए, मिक्स करते ही इसका कलर कितनी जल्दी से चेंज होता है। और वैसे तो ये ग्लूकोंडी ही बनकर तैयार हो जाती है अगर इसमें आप ठंडा पानी और बर्फ़ मिला दें, लेकिन हम क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, रू अफ़ज़ा, जिसे आप सभी जानते हैं और इसे आप जूस में भी खूब यूज़ करते हैं और इसका रू अफ़ज़ा बनाकर भी पीते हैं और साथ ही साथ मोहब्बत का शरबत तो इसके बिना अधूरा है। तो वही रू अफ़ज़ा है, इसे हम इस ग्लूकोंडी में मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, हम थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। और इसका टेस्ट देखिएगा और कलर देखिएगा, बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा। और हमारी ये रूह अफ़ज़ा तो हमसे वैसे भी अलविदा कह रही है, मतलब कि ख़त्म होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ ये ट्विस्ट करते हैं और ये स्पेशल शरबत बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए, मैंने इसमें ये रूह अफ़ज़ा मिला दी है और उसके बाद मैं इसे फिर से मिक्स करती हूँ। वाओ, सुपर्ब, डिलीशियस। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और बस हमारा ये स्पेशल शरबत बनकर तैयार है। और ये देखिए इसका कलर। और तो चलिए, बस हमें अब क्या करना है कि अब हमें इसमें मिलाना है ठंडा पानी, यानी कि बिल्कुल चिल्ड वाटर हमें इसमें मिक्स कर देना है और उसके बाद हमारा ये ठंडा ठंडा स्पेशल शरबत बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे हम सर्व कर लेंगे। और अगर आप आइस क्यूब्स डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, अब ठंडा पानी डालने के बाद मैं इसे फिर से मिक्स करती हूँ और उसके बाद हम इसे टेस्ट करके भी देख लेंगे कि इसमें मीठा कम तो नहीं हो गया है। और ये देखिए, हमने अपने ग्लास भी बाहर निकाल लिए हैं और बस हम अपने स्पेशल शरबत को गिलास में डालते हैं और बस ये ठंडा ठंडा शरबत बनकर तैयार है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये शरबत आप भी बिल्कुल बनाएं और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।